दोस्तों ध्यान से सुने, भगवान बुद्ध कहते हैं, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों न को हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों न हो, अगर प्यास नहीं बुझा पाता तो आग तो बुझा ही सकता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला हो, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है, वहां उसका सम्मान किया जाता है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नर्म चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। वो वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। ये सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वो व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है।
और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है, एक ये कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना और दूसरा ये कि शुरुआत ही ना करना। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। यदि आप दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं तो आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं। मैं स्वयं से वादा करता हूं कि मैं अपने बारे में अच्छा सोचूंगा और संसार के सामने इस बात को लाऊंगा, शब्दों से नहीं बल्कि मेरे महान कार्यों से। मैं स्वयं से वादा करता हूं कि मैं अतीत की गलतियों को भूल जाऊंगा और भविष्य की महान उपलब्धियों की ओर ध्यान दूंगा। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वो आपकी क्षमता के अनुसार छोटी बड़ी होती है। माफ करना और शांत रहना सीखो, ऐसी ताकत बन जाओगे कि एक दिन पहाड़ भी रास्ता दे देगा। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। हर इंसान को भाग्य से ज्यादा मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पांव में जूते नहीं है तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पांव नहीं है। जिसने किसी और को आपके लिए छोड़ा वो आपको भी किसी और के लिए छोड़ेगा। यकीन मानिए, ये पेज आपकी जिंदगी बदल देगा। अभी फॉलो कीजिए। मैंने देना सीखा इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूं कि कुछ न होने पर कैसा लगता है। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। असली सुंदरता क्या है? जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगाता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हो, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं। सुंदर होते हैं उसके कर्म और विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार और संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब कुछ है, वही मनुष्य इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है, और जमाना भी उसी का दीवाना है। कोई शक्ति नहीं है बुद्ध, कोई भक्ति नहीं है बुद्ध। जीवन जीने का तरीका है बुद्ध, जीवन जीने की कला है बुद्ध। चलना आपको है मार्ग बताने वाला है बुद्ध। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। नमो बुद्धाय। तालाब एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुगता है और बगुला मछली। बस सोच का फर्क होता है, आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। उम्मीद है भगवान गौतम बुद्ध के ये उपदेश आपको सोचने और समझाने का एक नया नजरिया देगा तथा आपके जीवन में सुख एवं शांति लाने में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।